अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SZB न्यूज़ और मैं हूँ अनीला कंवल। गंदाखा के तमाम शाखों में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का गंदाखा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं गंदाखा जाफराबाद से नूर हसन जमाली की रिपोर्ट। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं सैयद भोरल शाह, आदिल हुसैन जमाली, खादिम हुसैन रिंद, गुलाब खान जमाली और दीगर ने गंदाखा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंदाखा के तमाम शाखों शाख गंदाखा शाख, मिठड़ी शाख, नूरपुर शाख और सैयर माइनर में पानी की शदीद किल्लत की वजह से गंदम और सरसों का तैयार फसल तबाह हो चुका। महकमा इरीगेशन ने जानबूझकर एक्सिन खीरतर के नाल को हटा दिया है, जिसकी वजह से मातहत अमला भी काम नहीं कर रहा है, जबकि पूरा निजाम प्राइवेट अफराद संभाल रहे हैं। और तहसील गंदाखा का पूरा पानी गैर पेच एरिया बहरून को दिया जा रहा है और तहसील गंदाखा को तबाह किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि अगर गंदाखा को फौरी तौर पर पानी नहीं दिया गया तो हम जल मगजी की तरफ लॉन्ग करेंगे। अगर गंदाखा को पानी फ्राहम करना चाहते हैं तो खीरतर कैनाल को FC बलूचिस्तान के हवाले किया जाए, तमाम वाटर कोर्सेस साइज के मुताबिक FC के निगरानी में बताए जाए, तमाम गैर कानूनी वाटर पाइप और लिफ्ट मशीनों को खत्म किया जाए और गैर कानूनी रुकावटें खत्म की जाए। खबरें देखने के लिए देखते रहे SZB न्यूज। फॉलो करें SZB न्यूज को यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक आरोप।